अब आपको बालोद का एक ऐसा गांव दिखाते हैं जहां परितिन दाई की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस मंदिर के सामने से गुजरने वाले वाहन को मंदिर में कुछ ना कुछ दान करना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर गाड़ी या तो हादसे का शिकार हो जाती है या फिर कुछ अनहोनी हो जाती है। क्या है मंदिर की कहानी, देखिए रिपोर्ट। नवरात्रि के त्योहार में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन बालोद जिले में एक ऐसा गांव है जहां 9 दिन मां दुर्गा के साथ साथ परितिन दाई की पूजा अर्चना की जाती है। बालोद के अर्जुंदा नगर पंचायत के झींका गांव में स्थापित परितिन दाई का मंदिर ग्रामीणों के साथ साथ राहगीरों के लिए भी आस्था का केंद्र है। दूर दूर से भक्त अपनी मन्नतों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। सभी जगह दुर्गा माता जी की पूजा होता है। हमारे गांव ऐसा है, मां परितिन दाई की दोनों पक्ष में नवरात्रि में जोत जलता है। ग्रामीणों के मुताबिक मंदिर के सामने मार्ग से जो भी राहगीर बिना माथा टेके आगे बढ़ते थे उनके साथ अप्रिय घटना हो जाती थी या फिर गाड़ियां हादसे का शिकार हो जाती थी। लगातार घटनाएं होती गईं। जब ग्रामीण इस जगह पर पूजा पाठ करने लगे तो घटनाएं बंद हो गईं। अब इस रास्ते से गुजरने वाले हर वाहन चालक यहां पर गाड़ियां रोककर मत्था टेकते हैं या फिर हॉर्न बजाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में मां नव दुर्गा की उपासना की जाती है, लेकिन बालोद जिले में एक मंदिर ऐसा है जिन्हें परितिन दाई के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये परितिन दाई के मंदिर है और यहां से जो भी राहगीर यहां से गुजरते हैं इसी तरह अपने गाड़ियों का सारन बजाकर या यहाँ पर रुककर माथा टेक कर आगे बढ़ते हैं। तो मंदिर किस तरह की विशेषता है, हम यहाँ पर मौजूद है ग्रामीण, हम उनसे जानते हैं मंदिर के पीछे किस तरह की विशेषता है और एक परंपरा कब से चली आ रही है, क्या विशेषता बताएंगे? इसका विशेषता ये है कि इस यहाँ पे जो भी राहगीर जाते हैं यहाँ गाड़ी पे मतलब हार न मार के जाते हैं और जो भी मटेरियल सप्लायर वाला जो भी गाड़ी आते हैं तो ईंटा वगैरह चढ़ा के यहाँ पे जाते हैं। मान्यता है कि जब किसी के घर नवजात बच्चे लगातार रोने लगते हैं या कोई नया बच्चा घर में जन्म लेता है तो परिवार वाले यहां पहुंचकर काले रंग की चूड़ी और काजल परितिन दाई को चढ़ाते हैं, जिसके बाद बच्चा रोना बंद कर देता है। हमारे गांव में छोटे बच्चे आते हैं, आसपास कोई भी गांव में छोटे बच्चे आते हैं तो पहले परितिन दाई के मंदिर में एक नारियल या पाट चूड़ी जो भी है यहाँ चढ़ाते हैं। जैसे बच्चे रोते हैं ना तो पाट चूड़ी ला के चढ़ाने से बच्चे शांत हो जाते हैं। देवी के प्रति आस्था या डर ऐसा है कि बिना दान किए कोई भी मालवाहक वाहन आगे नहीं बढ़ सकता। गाँव के जो ये मंदिर है परितिन दाई के, ये मान्यता यहाँ पर से जो भी राहगीर जो जाते हैं ये मत्था टेक के जाते हैं, पूजा अर्चना करके जाते हैं। अगर कोई भी राहगीर अगर मान लो बात नहीं गई, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं हार न मारी या नहीं चढ़ाई कुछ, तो कुछ ना कुछ अनहोनी घटना होते एक साक्षात प्रमाण देखेंगे यहाँ पे। ते पाए के पूरा आसपास के गांव मन, गांव के झीका के गांव के मन सब मन मिल के यहाँ पर पूजा अर्चना करते। नवरात्रि में घलो पूरा जोत जवारा के यहाँ पर कार्यक्रम होते। मंदिर से गुजरते वक्त जो भी सामान हो, चाहे खाने पीने का ही सामान क्यों ना हो या बिल्डिंग मटेरियल संबंधित सामान हो, सभी परितिन माता को पहले चढ़ाया जाता है। पहले ये नीम का पेड़ आप देख रहे हैं, ये नीम का पेड़ ही आस्था का केंद्र हुआ करता था, लेकिन लोगों की दिन ब दिन आस्था बढ़ती गई, लोगों की श्रद्धा बढ़ती गई और आपस में चंदा कर मंदिर का स्वरूप दिया गया, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ज्योति कलश भवन है, यहाँ मनोकामना ज्योति कलश भी जलाया गया है और 9 दिन तक इसी तरह यहाँ पर माता की पूजा में जो भक्त है लीन रहते हैं। किशोर कुमार साहू, न्यूज़ स्टेट, बालोद।